सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईबी को दिया कैसा झटका। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आईबी की किस रिपोर्ट को किया खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट और एडवोकेट पूनावाला से जुड़ा, आखिर क्या है पूरा मसला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फिरदौस फिरोज पूनावाला समेत तीन सीनियर एडवोकेट्स को जज बनाने के लिए फिर से सिफारिश कर दी है। इनके नाम और इन्हें लेकर कॉलेजियम के असिस्टेंट की वजह से ये मसला चर्चाओं में छा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नामों को आईबी या खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट को खारिज करते हुए आगे बढ़ाया है और इनके नामों की फिर से सिफारिश की है। जिन वकीलों को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है उनमें फिरदौस फिरोज पूनावाला के अलावा शैलेंद्र प्रमोद ब्रह्मो और जितेंद्र शांतिलाल जैन के नाम शामिल हैं। दरअसल साल 2020 में फिरदौस फिरोज पूनावाला के सीनियर ने भाषण की स्वतंत्रता और देश में अभिव्यक्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए एक लेख लिखा था। ऐसे में आईबी की एक रिपोर्ट के जरिए अपनी आपत्ति जाहिर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ वाले कॉलेजियम ने आईबी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि साल 2020 में लिखे गए उस लेख का इन तीनों सीनियर एडवोकेट्स की अपनी योग्यता या साख से कोई संबंध नहीं है। एडवोकेट पूनावाला के पूर्व सीनियर एडवोकेट की ओर से जाहिर किए गए विचारों का बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए उनकी अपनी क्षमता या साख पर कोई असर नहीं पड़ा। कॉलेजियम ने स्पष्ट किया कि जूनियर और सीनियर के बीच कोई नियोक्ता या फिर कर्मचारी जैसा संबंध नहीं होता है। इस मामले में कॉलेजियम की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि कॉलेजियम ने नोट किया है कि पूनावाला और उनके पूर्व सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट के मूल पक्ष में प्रैक्टिस करते रहे हैं। इस लिहाज से मूल पक्ष में सीनियर के चैंबर से जुड़े जूनियर एडवोकेट अपने सीनियर के साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाले संबंध में नहीं लगे हैं, जबकि सीनियर एडवोकेट चैंबर से जुड़े हुए हैं और वे अपना काम करने के लिए आजाद हैं और सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस के हकदार भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ वाले कॉलेजियम ने यह भी कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके अच्छे व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है और उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी विपरीत नहीं आया, यानी कि वे किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में सलाहकार न्यायाधीशों की राय के मुताबिक उन्हें प्रमोशन के लिए सही और योग्य पाया गया है। हालांकि जनवरी के प्रस्तावों में कॉलेजियम द्वारा उनके नामों को दोहराए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक उनके नामों को नियुक्ति के लिए अधिसूचित नहीं किया है, जबकि आईबी की रिपोर्ट के कुछ अंश को सार्वजनिक किए जाने को लेकर केंद्र ने पिछले दिनों आपत्ति जताई थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम द्वारा आईबी के इनपुट को सार्वजनिक करने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि रॉ या आईबी की गुप्त या संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखना गंभीर चिंता का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।